गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आशीष और आज आपसे हम डिस्कस करेंगे लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो इसका क्या रीजन है और कैसे हम एसिडिटी से अपने आप को बचा सकते हैं। ये प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एसिडिटी। और एसिडिटी का मतलब क्या होता है? पेट में एसिड बनना। एसिड क्या होता है? जब बॉडी में हाइड्रोजन आयन का लेवल ज्यादा होता है तो उसे एसिड बोलते हैं। और अब हम इसे कैसे बस अपने आप को बचाव कर सकते हैं? तो यदि आप गुनगुने पानी का उपयोग करेंगे तो हम एसिडिटी से अपने आप को बचा सकते हैं। या पानी में थोड़ी काली मिर्च डालिए और उसमें आधे नींबू का यूज कीजिए। आप ध्यान रखिए, हल्का सा गुनगुना पानी, काली मिर्च और नींबू, इसको डेली रूटीन फॉर्म में आप इसे यूज कीजिए। इसके अलावा खाने के बाद आप सौंफ का यूज कर सकते हैं। तो सौंफ से बॉडी में क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। या नींबू के पानी में शक्कर मिला के इसे पीजिए, इससे भी आपको एसिडिटी में फायदा मिलेगा। ओके, तो ध्यान रखिए मैंने आपसे क्या बोला, सौंफ का पानी पीजिए या गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपकी बॉडी में एसिडिटी से आप बच सकते हैं। या ठंडा दूध भी आप यूज कर सकते हैं, ठंडा दूध भी एसिडिटी के लिए सबसे बेटर फायदा है। या मुनक्का, ये काफी उपाय है जो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो मुनक्के का भी आप यूज कर सकते हैं। मुनक्के को एक गिलास दूध में रख लीजिए और इसका आप उपयोग कीजिए, तो इससे एसिडिटी से हम लोगों का बचाव किया जा सकता है। ओके, तो ये कंडीशन है जिससे हम अपने आप को एसिडिटी से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो अदरक के टुकड़ों पे आप काली मिर्च डाल दीजिए या काला नमक डाल दीजिए, काला नमक ज्यादा बेटर होगा, तो इसका आप यूज कीजिए तो इससे एसिडिटी में फायदा मिलेगा। ये अदरक के पानी या अदरक को एक हल्के उबले पानी, हल्का गुनगुना पानी कीजिए, तो वो भी एसिडिटी में फायदा करता है। इसके अलावा आंवला को काले नमक के साथ उबाल के खाइए। ये एलोवेरा जूस भी आप यूज कर लीजिए। इसके अलावा भोजन के बाद तुलसी पत्तियों को यूज कीजिए और नॉर्मल आप हर्बल चाय का यूज कीजिए। और यदि आप हो सके नारियल पानी भी आप यूज कर सकते हैं। लौंग को चबाने से भी एसिडिटी कम होती है। और जो आप आटे का यूज करते हैं, चोकर वाला आटा आप यूज करते हैं, वो भी फायदा करेगा। अजवाइन को पानी में उबाल के आप यूज कर सकते हैं, तो इससे भी एसिडिटी में फायदा मिलेगा। तो ये सभी अलग अलग फायदे हैं भाई, और ये डिफरेंट बेनिफिट है जिसका यदि आप उपयोग करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में एसिडिटी से आपको आराम मिलेगा। एसिडिटी क्या होगी, बहुत जल्दी आपकी बॉडी से क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इलायची का आप यूज कर सकते हैं, पुदीना, जो पुदीना पत्ती है उसको नमक, काले नमक के साथ आप उपयोग कर सकते हैं। जीरे के पानी में, जीरे को पानी उबाल लीजिए और वो जब हल्का ठंडा हो जाए तो उसे पीजिए आप। तो ये डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट टिप्स है, घरेलू नुस्खे है जिससे आप एसिडिटी से आप बच सकते हैं। ओके, तो इनको आप आज से ही स्टार्ट कर दिए, किसी भी नुस्खे का आप उपयोग कीजिए तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, और खान पान का जरूर ध्यान रखिए, खाना आप टाइम पे खाइए और खाना आराम से खाइए, नहीं जल्दी जल्दी आप खाना खा रहे तो वो भी एक एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और भोजन के बाद यदि गुड़ का टुकड़ा हो, गुड़ हो तो गुड़ आप खाइए, तो ये भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और जल्दी रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। ओके, जो लोग ज्यादा देर तक सोते हैं उनकी बॉडी में बाइल बनता है और बाइल ही रीजन होता है एसिडिटी। यदि आपकी बॉडी में बाइल जूस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में एसिडिटी का लेवल ज्यादा हो सकता है। और ज्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, तली भुनी चीजों का यूज मत कीजिए, ठीक है, तो ये भी आपकी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम कर सकता है। तो टाइम टू टाइम आप खाना खाते रहिए, एक अच्छी नींद लीजिए, मॉर्निंग सुबह टाइम पे उठिए और डेली थोड़ा वॉकिंग कीजिए, तो ये ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, और मैंने भी पहले बोला कि खाना आप जल्दी जल्दी नहीं खाइए,
खाना आराम से खाइए, छोटा पीस लीजिए और चबा चबा के खाइए। तो ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी बन जाती है। जो लोग ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं उनकी बॉडी में एसिडिटी बनती है। तो एक मेन ध्यान रखिए, फास्ट फूड से बचिए। और कुछ जैसे बैगन है, ज्यादा आलू यदि आप खा रहे हैं तो ये भी आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और एक सुबह के टाइम वॉकिंग जरूर कीजिए, जो मैंने अभी बोला है। यदि सुबह आप वॉकिंग कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट होगा। और तांबे के लोटे का पानी जरूर पीजिए, ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो ये अलग अलग नुस्खे बताए, घरेलू नुस्खे, इनको आप उपयोग कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।